फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मतलब कि काफ़ी टाइम हो गया है, आई थिंक जहाँ तक मुझे पता है 10 दिन जैसे होने को आए होंगे कि मैंने मतलब कि कोई भी व्लॉग नहीं डाला है। तो उसके पीछे भी रीज़न है कि मैंने क्यों नहीं व्लॉग शूट किया या डाला। तो ये कुछ शूट ही नहीं कर पाई थी या ऐसी सिचुएशन ही नहीं थी कि मैं व्लॉग शूट करूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड की अभी ना सर्जरी हुई है, ACL सर्जरी, जिससे कि पैर में जो घुटनों के बीच में एक होता है नस वगैरह, वो फट गई है, इसे लिगामेंट बोलते हैं। तो जो लिगामेंट फट जाता है ना, तो उसकी जो ट्रीटमेंट करते हैं जिसे ACL सर्जरी कहते हैं, तो ऐसा कुछ होता है। वो तो पहले पता भी नहीं था कि ACL सर्जरी क्या है, लिगामेंट क्या है, क्योंकि जनरली हमें जो भी नॉर्मली बीमारियां होती है कि डायबिटीज, हार्ट अटैक वगैरह या कुछ भी, तो वो हमें पता होता है, और दूसरी सारी बीमारियां वगैरह हमें पता होती नहीं है। तो ऐसा फर्स्ट टाइम मैंने भी सुना था कि लिगामेंट होता है अंदर जो, वो फट जाते हैं या उसकी वजह से सर्जरी वगैरह करवानी पड़ती है और बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो बस वो सारी चीज़ों की वजह से नहीं मैंने कोई ब्लॉग शूट किया, कुछ भी ऐसा कैमरा ओपन ही नहीं किया कि मैं कुछ शूट करूं बिल्कुल भी। और अभी भी मैं नहीं करने वाली थी, इतना मन नहीं हो रहा था, लेकिन हमेशा की तरह मेरे हस्बैंड की सपोर्ट की वजह से आज मैंने स्टार्ट किया वापस से। और अब ट्राई करूँगी कि मैं कंटिन्यू रह पाऊँ। अभी थोड़े दिन तक तो थोड़ा मुश्किल है कि मैं कंटिन्यू कर पाऊँ, लेकिन देखेंगे कर पाती हूँ, क्योंकि अभी जो सर्जरी वगैरह हुई थी उसमें थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ता है वगैरह। तो घर पे देखने के लिए लोग वगैरह आते हैं, तो उनके साथ बैठना वगैरह, तो ये सारी चीज़ें नहीं कर पाऊँगी अभी। इसके लिए कोई ब्लॉग शूट कर पाना भी मुश्किल है। और बस जल्दी से ठीक हो जाए, अभी तो टोटली बेड रेस्ट पे है, और चलना भी नहीं, मतलब कि वॉकर की हेल्प से थोड़ा बहुत चलना जो होता है बस वो भी है। और बस अभी यही चल रहा है लाइफ में, और बीच में थोड़ी बहुत मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब हो गई थी, तो मैं विकसी हो गई थी। बस ऐसा सब कुछ अभी चल रहा है, तो इसी की वजह से ना कोई ब्लॉग शूट किया, ना बनाया, ना कुछ रिप्ले कर पाई, और अभी भी शायद ना ही करती। लेकिन मैंने बोला ना कि मेरे हस्बैंड के सपोर्ट की वजह से वो हमेशा मुझे सारी चीज़ों में सपोर्ट करते हैं कि मैं कर पाऊँ सब कुछ। तो चलिए अब ट्राई करूँगी कि मैं आगे कंटिन्यू कर पाऊँ और अच्छी तरीके से वापस से ब्लॉग में डाल पाऊँ जिस तरीके से डाल रही थी। ऐसा नहीं है, मैंने ब्लॉग भी मेरे सर्जरी से पहले शूट किया हुआ भी है, लेकिन मैंने कुछ भी एडिटिंग वगैरह भी नहीं की थी, क्योंकि वो मन ही नहीं कर रहा था कि मैं एडिटिंग करके वो डाल सकूँ या कुछ। जो अंदर से फीलिंग आती थी ना पहले कि डालना है ब्लॉग, डालना है, ये करना है, वो करना है, वो नहीं आ रही थी, तो उसका कोई मतलब नहीं बन पा रहा था डालने का। तो बस इसलिए, तो चलिए अब आगे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में जो भी है वो, और कंटिन्यू करती रहूँगी जो भी है वापस से।